बेचारे को मसाले की तरह क्यों कूट दिया? मेरे दूर का मामा है, जिधर भी जाता हूँ कंस की तरह मेरे पीछे पीछे आ जाता है। ये सब छोड़, अरे छवि के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ, हेल्प करेगा? कॉर्नर टिकट ला दूं? वो तो वो ले चुकी है। एक सेकंड, कोई अनीता है यार, ना तो लोन चुकाती है ना ही EMI देने को तैयार होती है, मांगो तो गाली देती है। अब गाली के बदले गाली नहीं दे सकता यार, प्रेग्नेंट है। और मुझे आज मूड नहीं खराब करवाना, पुलिस फैमिली का रोब दिखा के तू ये लोन क्लियर करवा दे, शाम को इसे पिक कर लूंगा। डार्लिंग वेट कर रही है। एड्रेस तो बता। विघ्नेश से पूछ ले। आप कौन? हेलो मैडम, आई एम तन्मय, DCDC बैंक से हूँ। आपका एक लोन पेंडिंग है। सेटलमेंट लेटर लाए हो अपने साथ? सेटलमेंट लेटर इस वक्त तो नहीं है। हेलो, और कितने लोग आएंगे यहाँ? सबको एक ही बात बतानी पड़ती है, रूल्स वूल्स के बारे में पता है कि नहीं आपको? क्लाइंट की हिस्ट्री जाने बगैर ही मुंह उठाए चले आते हो। वो क्या है कि आज ही मुझे आपकी फाइल मिली है। आपका पेंडिंग लोन का अमाउंट 16 लाख है, पर सेटलमेंट लेटर नहीं है इसमें। तोते की तरह अमाउंट रिपीट मत करो, मैंने पहले ही बताया था कि मेरे हिसाब से 6 लाख है, वो मैं पे कर सकती हूँ। अगर तुम लोग राजी हो तो सेटलमेंट लेटर लेकर आओ। अब जाओ यहाँ से। पानी पिला सकती है अगर एतराज ना हो तो, प्लीज। ये आपके लिए, पीजिए। पी लो बहन, रिलैक्स हो गई। देखिए, गुस्सा खराब चीज है, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे सब बुजुर्ग कहते हैं। इतनी खांसी हो रही थी इसलिए आपके लिए पानी मंगवा लिया। कंसर्न के लिए थैंक्स, अब आप जाओ। एक मिनट बहन, मुझे लगता है आपका गुस्सा जायज है, जब खुद की कोई गलती ना हो तो गुस्सा तो आएगा ही। आपकी फाइल्स आज ही मुझे, सॉरी मैं टेक्निकल चीजें बताने लगा, वैसे मैं इस केस के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे अपना केस समझा देंगी प्लीज? मैं बैंक और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहता हूँ। मेरे हस्बैंड ने लोन लिया था और उनकी डेथ के बाद मैंने ड्यू पे किया था। मेरे हिसाब से तो 6 लाख ही बाकी हैं, पर बैंक वाले टर्म्स एंड कंडीशंस का हवाला देकर 16 लाख मांग रहे हैं। एक होम लोन के बदले ये लोग 2 घर का पैसा वसूल करेंगे क्या? ये तो न्याय नहीं है। लोन क्या लिया, इन्होंने तो अपना गुलाम ही बना लिया है। कितना लूटेंगे ये पब्लिक को, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं दूंगी। कोर्ट में भी जाना पड़ा तो जाऊंगी, लेकिन इनका खेल और ज्यादा नहीं चलने दूंगी। बोलो तन्मय। मेरी क्लाइंट है, बहन जैसी है, उनका नाम अनीता है। देखो, हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ से पैसे लेना गलत तो है, लेकिन ये बैंक्स और कलेक्शन एजेंसीज RBI रूल्स फॉलो नहीं करती। एक्चुअली इस तरह के लोन पे इंश्योरेंस होता ही है, लेकिन ये बात कस्टमर को एजेंसीज और बैंक्स ज्यादातर बताते नहीं हैं, और इस बात का फायदा उठा के लोगों को लूटते हैं। तू एक काम कर, उनसे बोल मुझे डिटेल्स व्हाट्सएप कर दें, मैं देखता हूँ। ओके जॉनी, थैंक्स। आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वकील को अपनी सारी डिटेल्स दे दीजिए, वो संभाल लेगा। चलता हूँ बहन। सर एक मिनट। वाह बहन, सस्ते में निपटा रही हो। आज तक यहाँ जितने भी लोग आए ऐसे बर्ताव करते थे जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। आप पहले हो जिसने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे इसका सलूशन भी बताया। एक फायर एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड की मौत हो गई, उनके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज आपने जो मेरी मदद की है उससे अब मुझे अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो अब जीने के लिए मेरा ये बच्चा है और अपने हस्बैंड की यादें हैं। 10 अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ और इस बड़े से घर में छोटा सा ट्रस्ट चलाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड का सपना था और यही अब मेरे जीने का मकसद भी है, जल्दी ही इसे सच करूंगी। 10-15 बच्चों की माँ बनूंगी और टीचर भी। एक बड़ी फैमिली होगी, तब हम सबसे मिलने आना भैया। हेलो। सर, ये हमारा मंदिर है, तोड़ने की परमिशन किसने दी? सर मंदिर तो आपका ही है, पर जमीन सरकारी है, हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। यहाँ पिछले 100 सालों से पूजा होती आ रही है, ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं आप?
देखिए, हमने पूरा सर्वे कर लिया है। कभी यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं होती। पूजा ना होने की वजह से अब यहाँ पर आने जाने की किसी की कोई वजह नहीं है। इसलिए सरकार ने अब ये डिसाइड किया है कि ये जमीन पब्लिक के काम में आएगी। हमें हमारा काम करना है। मंदिर से किसे तकलीफ है? लोगों की हितों की रक्षा करना सरकार का काम है। जानते हैं ये कौन है? यहाँ सरकार बनने से पहले यही गांव की रक्षा करते थे। आज तक लोग इन्हें भगवान मान के इनका पूजा करते हैं। इनके बाद इनकी हर पीढ़ी का नौजवान पुलिस बन के लोगों को मदद करते रहे। गलत इरादे से कोई बदमाश गांव में पैर भी नहीं रख सकता। बड़े ठाकुर का नाम सुन के दुम दबा के भाग जाते हैं। यकीन नहीं आता ना? अरे भाई साहब, मैं दावे से कह सकती हूँ यहाँ सालों से एक भी जुर्म नहीं हुआ जो बाकी गाँव में हो रहा है। ये सब इस मंदिर की वजह से है। इससे हटाने आए हो ना, मेरी लाश से गुजर कर इसे तोड़ना पड़ेगा। आ जाओ। मेरी बात सुनिए। सर, आप ऐसे बात करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। हम लोग हैंडल करते हैं। सब लोग सुन लो, ये सरकारी ऑर्डर है। इन्हें अपनी ड्यूटी करने दो, नहीं तो सरकारी काम में दखल देने के जुर्म में तुम सब गांव वालों को अरेस्ट कर सकता हूँ। सर, आप एक बार हमें अरेस्ट करके तो दिखाओ। सर, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, थोड़ा कायदे से बात कीजिए। बात करके टाइम वेस्ट करो। फोर्स को ऑर्डर दो और भगाओ इनको यहाँ से। चार्ज। अरे अरे अरे, चलो चलो, पहले बुलडोजर मेरे ऊपर चढ़ाओ, फिर मूर्ति को हाथ लगाना। मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा। तन्मय, वो मैं आपसे बात करना चाहती थी। मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? अरे तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा है। जब भी अपना भाई हैप्पी, सैड, एंग्री या सेंटी हो जाता है ना, गले के स्पीकर से ना लड़की की आवाज निकलती है, इसीलिए पास आने से डर रहा है। पर तुम पे पूरी तरह लट्टू है। एक बात सच कहूं, ये लफड़ा दूसरी लड़कियों के सामने नहीं होता है। तुम्हें ही देखकर इमोशनल अत्याचार हो रहा है इस पे। हेलो, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मेरे लिए काम करता या फिर इसके लिए? गाड़ी को ठीक इसके सामने क्यों रोका? अब इसकी गंदी शक्ल देख के उतरूं क्या? चल गाड़ी थोड़ी आगे ले। सर, स्क्वाड अटेंशन। एसआई के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इस फिजिकल कैंप में वेलकम है। पेरेंट्स यहीं वेट करें, कैंडिडेट्स अपने सर्टिफिकेट्स लेके अंदर जा सकते हैं। यही इस रेंज के डीआईजी हैं। इनका नाम तिलक राज है। सिलेक्शन यही करेंगे। सर, एसआई सिलेक्शन 120 कैंडिडेट्स रेडी। सर, शुरू करो। शॉर्टलिस्ट करके लिस्ट मुझे भेजना। सर, मैं खुद चेक करूंगा। सर,
सब वेरिफिकेशन हो चुके हैं, फिजिकल सेशन शुरू कर दें? हाँ बोलो, शुरू करने के लिए रेडी, प्रोसीड ऑन योर मार्क गेट सेट। एक्सेलेंट सर, उस कैंडिडेट ने 11 सेकंड्स में रेस पूरी कर दी। वैसे आपका रिकॉर्ड 11.2 सेकंड्स का है ना सर? क्या बक रहे हो तुम? हाँ सर, आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। वाह, 6 फीट क्रॉस कर लिया। स्टार्ट। क्या बात है? 7.2 सर। सर 7.2 सर, नया रिकॉर्ड है। वेरी गुड। हाँ सर। सर आपने कहा आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, उसने तोड़ दिया सर। पुलिस का नाम रोशन करेगा ये। जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन्हें इस महीने की 30 तारीख तक SMS और फिर पोस्टल लेटर के द्वारा सूचित किया जाएगा। अब जा सकते हैं आप लोग। चलो यार, चलो। एक्सक्यूज मी सर। वेल डन मिस्टर तन्मय, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर, इतना टैलेंटेड कैंडिडेट देखने को मिला। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ट्रेनिंग में मिलते हैं। जी सर, थैंक यू, कीप इट अप। ए तू। सर कौन से ड्रग्स लेता है तू? ड्रग्स निकोटीन, एक्सिकोटीन और या फिर डिमोक्सिन जैसा कुछ? हाँ सर, मैं ड्रग्स वग्स कुछ यूज नहीं करता हूं। बहस कर रहा है मुझसे? सॉरी सर, पर सच तो बोलूंगा ना। डोले शोले बना लिए तो क्या मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा? जानता है मैं कौन हूं? कंप्लीट स्पोर्ट्समैन। भाई सब छू के देख। अरे बोला ना छू। अरे पकड़ना। तुझसे 25 साल मैं बड़ा हूँ, कैसे किया ये? अच्छा मैं नहीं जानता, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं। अब क्या बोलूं? मेरा रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन है। चल बता कौन से ड्रग्स लेता है, बोलना कौन सा ड्रग लेता है। सर सर। तुम कौन हो भाई? तुम इसे ड्रग सप्लाई करते हो क्या? सर मैं इसका पिता हूँ। घूर क्या रहा है मुझे? बेटा शांत रहो बेटा, अपने गुस्से पे काबू रखो। हे, अचानक चुप क्यों हो गया? मतलब तू ड्रग्स बेचता है, राज छुपाने को कह रहा है? सर ये ड्रग्स वगैरह मैं नहीं करता। क्या कहा? फिर से बोल। अरे बोलना। सॉरी सर। लेडीज की भर्ती अगले महीने होने वाली है, गलत जगह पर आ गई हो। यहाँ आके भूल की और ऊपर से मेरे ही ग्राउंड पर मेरा रिकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत दिखाई और मुझसे बहस भी कर रहा है। दफा हो जा यहाँ से। ऑफिसर तो क्या, वॉचमैन भी नहीं बन सकता तू? गेट आउट।